wrong with you? कोई शर्म कोई लिहाज है आपको मिस्टर रानिया नहीं? कैसे आप मेरे बाथरूम में? लगता है बेवकूफ हैं आप। What? ये लाइव वायर जो पानी में गिर गई थी, अगर गलती से आप पानी में गिर जाती तो आपको अंदाजा क्या हो सकता था? ये देखिए, प्लीज मिस्टर खान, अब तो मान जाइए कि आपको मेरी फिक्र है। प्लीज से डू यू मीन इट? दोनों वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रही हूं? ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये नहीं, पता नहीं जोया को कौन सा दुपट्टा पसंद आएगा। ये अच्छा है, ये जचेगा। अरे वाह काला, सोच रही हूं कि क्या अजीब इत्तेफाक है, आज ही असद सगाई करके घर लौटा है और आज ही ये दुपट्टा मेरे हाथ लगा है। जानती हो, सालों से ये दुपट्टा मैंने संभाल के रखा है असद की दुल्हन के लिए। खाला, कहीं आप असद के निकाह के ख्वाब तो नहीं देख रही? ये ख्वाब तो हर माँ देखती है ना? लेकिन आपने सुना नहीं कि असद क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि ये सगाई नकली है। अगर ये सगाई नकली है तो आप खुद सोचिए कि वो इस वक्त निकाह के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये सारे फैसले हम नहीं करते, ये वो करता है। जो डोर बंधनी होती है ना, वो किसी भी तरह से बंध ही जाती है। ये एक ऐसा एहसास है जिस पर किसी का जोर नहीं होता। हमें लगता है कि ये सारे फैसले हम ले रहे हैं, दरअसल ये सारे फैसले हम नहीं लेते, ये तो किस्मत लेती है हमारे लिए। और एक दिन जो हमारी किस्मत में होता है हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है।
अरे जोया, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें वसीम भाईजान के बेटे के वलीमा पे जाना है। चलो तनवीर, हमें गिफ्ट्स भी तो पैक करनी है। चलो। अरे अच्छा जोया, वो तुम्हारे लिए दुपट्टा निकाल के रखा है, वो पहन के आना। अल्लाह जाने क्या हो रहा है, यहीं पर तो रखी थी मैंने बोतल, कहाँ गई? यहीं पर तो थी, कहाँ चली गई? अम्मी कुछ ढूंढ रही है। हाँ बेटा, एक बोतल रखी थी मैंने यहाँ पर, अब मुझे मिली नहीं, नहीं। वो मैं तेल लेने आई थी और वो मेरे हाथ से गिर के टूट गई। वैसे भी वो एंटीसेप्टिक थी ना, मैंने उसके बजाय यहाँ पे एक बॉटल रखी थी। अरे वो कहाँ है? मैंने अम्मी यहाँ पे ही रखी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। जी ये तनवीर है, असद के बचपन की दोस्त। अरे भी नजमा नजर नहीं आ रही? आप तो जानते हैं भाईजान, लड़कियों को तैयार होने में कितना वक्त लगता है, और हमारे असद में इतना सब्र कहाँ। इसलिए मैं और असद आ गए, नजमा और जोया दूसरी कार में आ रहे हैं। लीजिए, आ गए। चलो खाला, सोया वो दुपट्टा क्यों पहन कर आई है जो आपने असद की दुल्हन के लिए रखा था? ओ तो ये है जोया, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। वैसे दिलशाद ये है कौन? मेहमान। मेहमान थी, अब तो मेहमान से कहीं ज्यादा है। जोया ने वही दुपट्टा चुना जो मैंने असद की दुल्हन के लिए लिया था। शायद ये भी एक इशारा है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अम्मी अब्बू भाईजान तैयार हो गए हैं, आइए हम सब लोग मोहसिन को लेके आए। चलिए चलिए। भाईजान आप तो लड़कियों से भी ज्यादा टाइम ले रहे हैं तैयार होने के लिए, जल्दी बाहर आइए। भाईजान अभी आते ही होंगे, और मैंने आपको इनसे तो मिलवाया ही नहीं। इनका नाम उज्मा है। हाय उज्मा, I'm Zoya। ये मोहसिन भाई की मामूजद बहन है। आप दिलशाद आंटी के साथ आइए ना। अरे वाह, बहुत खूबसूरत अंगूठी है आपकी। वो क्या है ना कि ये मेरी सगाई की अंगूठी है।
है मेरी। वाओ, मुबारक हो। थैंक यू। आपकी वो नहीं आए? आए ना मेरे वो। मेरे वो तो कहीं भी मुझे अकेला नहीं भेजते। बहुत पजेसिव है ना, इसलिए। आपको मैं मिलवाऊं अपने उनसे? हाँ मिलेगी जरूर। बताइए ना कहाँ पे आपके वो? मेरे वो जो है ना, बहुत शर्मीले हैं वो। इनफैक्ट इमोशनली थोड़े से चैलेंज्ड है, बहुत ज्यादा शर्माते हैं। इस वक्त अगर मैं तुम दोनों से उन्हें मिलवाऊंगी ना, तो नई दुल्हन की तरह शर्मा जाएंगे। हाय, लगता है आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो मैं नहीं जानती। एक्चुअली उन्होंने कभी बताया नहीं मुझे। अगर वो नहीं बताएंगे तो आपको ही पूछना पड़ेगा। हाय, पूरी तरह फंस गए। कैसे लड़के से पाला पड़ा? वही तो। क्या भाईजान, कितनी देर लगा दी आपने? What's all this? What? आप उन लड़कियों से क्या बातें कर रही थी? अरे वो तो मेरी रिंग के बारे में पूछ रही थी। कह रही थी कि बहुत अच्छी रिंग है, तो मैंने बोल दिया कि ये मेरी सगाई हो चुकी है। मैंने कुछ झूठ कहा क्या? तो मैं दुल्हन से ज्यादा शर्माऊंगा, ये सच है। देखिए मिस्टर खान, अगर ये सच नहीं है तो इट्स ओके। मैं अभी आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। खामोश रहिए। प्लीज इन सबसे ऐसी बातें मत कीजिए, ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। I don't want to turn into a laughing stock just because of you. Oh really? मतलब मुझसे सगाई करना आपकी इज्जत कम होने के बराबर है? मेरा मतलब वो नहीं था। क्या मतलब है मिस्टर खान? मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो सब आपने किया उस सबका क्या मतलब है? मुझे इस वक्त इस बारे में बात नहीं करनी। बात तो आप करेंगे मिस्टर खान। मेरा नाम भी जोया फारूकी है। आपके दिल की बात तो मैं आपसे बुलवा के रहूंगी। बाजी, आप हनीमून के लिए कहाँ पे जाने वाले हो? जीना को क्यों परेशान कर रही है? कितना खूबसूरत इंतजाम है ना। मैं तो तुम्हारा वलीमा यहीं करूंगी।
मम्मी आप शर्मा अंकल से मिले? हाँ, उन्होंने ही तो सजेस्ट किया कि मैं तुम्हारा वलीमा यही करूँ। शाहनवाज भाई से तो मिले होंगे आप, पूछ रहे थे आपको। हाँ, उनकी दुल्हन ही मुझसे पूछ रही थी कि आप असद का निकाह कब करने वाली हैं। मैंने कहा बहुत जल्द। मेरे अयान का निकाह तय हो चुका है, इंशाल्लाह इसी साल में जल्द ही तारीख निकलेगी। कोई वैसे निकाह से याद आया, अम्मी मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेके आता। अरे सुनो, नजिया बुरा मत मानना, यूं सगाई ना होना अच्छा शगुन नहीं है। कैसी बेकार की बातें कर रही हो असीम, अगर तब नहीं हो पाई सगाई तो अयान के लौटते ही करा देंगे। वैसे तुमने उस लड़की का क्या किया, वो क्या नाम था उसका, जोया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था? अरे उसकी तुम फिक्र मत करो, उसका हिसाब किताब तो हो चुका है। ऐसा तो तभी होता है ना जब कोई ताल्लुकात हुई या पुरानी दुश्मनी। कोई ना कोई ताल्लुका जरूर है तुम्हारा उससे। हसीना, अल्लाह ना करे ऐसे लोगों से हमें ताल्लुक जोड़ना पड़े। वैसे तुम जैसे लोग कम हैं क्या ताल्लुक है? क्या कहा? अरे नहीं, वो तो दिलशाद के यहाँ मेहमान है, और तुम्हें तो पता ही है दिलशाद के यहाँ हर किसी से हमारा दुश्मनी का ही रिश्ता होता है। अरे बेटा, तुम तो वही हो ना जो दिलशाद के घर पे मेहमान है। जी, उस दिन देखा था तुम्हें कुरान खाने में, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। वैसे अमेरिका से हो ना तुम, और तुम्हारे अम्मी और अब्बू? मैं बहुत छोटी थी जब उनका इंतकाल हो गया। ओह, तुम्हारे वालिद नहीं है, और इतनी भरी दुनिया में अकेले रहना कितना मुश्किल है। अकेली नहीं हूं मैं, मेरे आपी और जीजू हैं मेरे साथ, और इनफैक्ट अब तो मेरी सगाई भी हो गई है। अच्छा, माशाल्लाह, कौन है वो? अम्मी सॉरी, ओके? हाँ? अम्मी को आपसे बात करनी है, सॉरी, एक्सक्यूज़ेस। मिस फारूकी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने आपसे कहा था ना सगाई के बारे में किसी से बात मत कीजिए, ये नकली सगाई। चलो मिस्टर खान, लोगों को थोड़ी ना पता है, और प्लीज हाँ थोड़ी सी स्माइल कीजिए, क्योंकि नकली से ही आज सगाई हुई है आपकी। आप थोड़ा धीरे बात करेंगे, एवरीवन वाचिंग। वो क्या है ना मिस्टर खान, मेरा मानना है कि बात करो तो ऐसे करो कि दुनिया सुने, नहीं तो नहीं करो। आपको पता है कितनी बार ऐसा होता है कि आप जो बात करते हैं मुझे सुनाई नहीं देती। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम इसी वक्त घर जा रहे हैं। सुनाई दिया? आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जा रही। प्लीज ये हरकतें बंद कीजिए। ओके, मेरी एक शर्त है, आप मुझे वो रोज ला के दीजिए ना। प्लीज मिस्टर खान, देखिए ना मैं मंगेतर हूं आपकी, आप पता नहीं है आपको, आप एक रोज। ओके, मैं आपकी थोड़ा प्यार से दीजिए मिस्टर खान, ये मेरी शर्त है। प्लीज। अच्छा ठीक है, तो ये कहिए कि जोया, तुमसे सगाई करके ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान। प्लीज मिस फारूकी। ओह, उज़्मा और उसके कुछ और फ्रेंड्स भी आ रही हैं, और आपके अंकल भी आ रहे हैं, इन्हें खुशखबरी देकर आती हूँ हमारी सगाई। मिस फारूकी, आपसे सगाई करके ऐसा। वेट, फील के साथ कहिए ना मिस्टर खान।
है ना वो